मुझे पता है कि आप मेरा ही इंतजार कर रही हैं। अब आप अपना नाम बताने का कष्ट करेंगी? मैं इस सिंहासन की 11वीं पुतली त्रिलोचना हूँ। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आप जब 10वीं पुतली के कहने से भी ना माने तो मैंने सोचा शायद आप मेरी कहानी से समझ जाए। अच्छा, आपकी कहानी में ऐसी क्या बात है? बात तो है, लेकिन अब ये देखना है कि आप में वो बात है कि नहीं। अगर हमारे अंदर बात ना होती तो हम राजा कैसे बनते? राजन, मैं इस सिंहासन के अधिकारी राजा विक्रमादित्य की सेवा में वर्षों तक रही हूँ। मैं आपको राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनकर स्वयं निर्णय कीजिए कि आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं या नहीं। ठीक है ठीक है, ये तो हम कहानी सुनने के बाद ही निर्णय करेंगे। राजा विक्रमादित्य सही अर्थों में प्रजापालक थे। अपनी प्रजा की सुख शांति के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। हे हमारे प्रियजनों, हम राज्य की सुख शांति के लिए महायज्ञ करवाना चाहते हैं। हम सभी आपके इस कार्य की सराहना करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे इस यज्ञ में पवन देव और सागर देव को आमंत्रित किया जाए। महाराज, इसके लिए आपको एकांत में घोर तप करना होगा। राजगुरु, हम कोई भी तप करने को तैयार हैं, परंतु राजगुरु, पवन देव को आमंत्रित करने में न जाने कितना समय जाएगा। हम चाहते हैं कि समुद्र देव की जिम्मेदारी आप संभालें। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अपने ब्राह्मण मित्र से ये कार्य करवाऊंगा। और इस तरह राजा विक्रमादित्य पवन देव को बुलाने स्वयं चल पड़े और एक ब्राह्मण सागर देव को प्रसन्न करने में लग गया। ओम पवन देव प्रसन्न हो, ओम पवन देव प्रसन्न हो, ओम पवन देव प्रसन्न हो। हे राजन, इस समय पवन देव का निवास सुमेरु पर्वत है, इसलिए आप वहीं जाकर तप कीजिए। सुमेरु पर्वत तो यहाँ से बहुत दूर है, हमें वेतालों की सहायता लेनी होगी। हे वेतालों, तुरंत हमारे सामने प्रकट हो। कहिए महाराज। वेतालों, हमें सुमेरु पर्वत जाना है। तो जाइए, किसने रोका है? सुमेरु पर्वत यहाँ से बहुत दूर है, तुम दोनों हमें वहाँ पहुँचा दो। तो चलिए महाराज, उड़ चले सुमेरु पर्वत की ओर। दोनों बेताल महाराज विक्रमादित्य को सुमेरु पर्वत पर छोड़ देते हैं और राजा विक्रमादित्य तप करने लगते हैं। ओम पवन देव प्रसन्न हो, ओम पवन देव प्रसन्न हो, ओम पवन देव प्रसन्न हो। हे राजाओं के राजा विक्रमादित्य, देवराज इंद्र की चहिते तेरी साधना से हम बहुत खुश हैं। मांगो, क्या मांगते हो? प्रणाम पवन देव। पवन देव, हम एक महायज्ञ कर रहे हैं और हमारी इच्छा है कि आप हमारे उस महायज्ञ में अतिथि के रूप में पधार कर हमारा सम्मान बढ़ाएं। मेरे कहीं भी जाने का मतलब है भयानक तबाही, आंधी तूफान आ जाएगा, तेरे राज्य की सभी लहलहाती फसलें उजड़ जाएंगी, तेरे राज्य के सभी पेड़ पौधे उखड़ जाएंगे। क्या तू इस तबाही को अपनी आंखों से देखना चाहता है? केवल अपनी जिद के लिए? नहीं देव, हमारा ये मतलब नहीं था। तो फिर वापस चले जाओ। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ेगा, कभी अकाल नहीं पड़ेगा,
मैं तुम्हें काम धेनु गाय देता हूँ, जिससे तुम्हारे राज्य में सदर दूध व दही की नदियाँ बहेंगी। इस तरह पवन देव द्वार देखकर चले गए। ए वेतालो, यहाँ हमारे पास आओ। कहिए महाराज। तुम दोनों ये गाय और हमें हमारे राज्य में पहुँचा दो। लगता है अब हमारे बुरे दिन आने वाले हैं। क्यों क्यों, ये गाय नहीं देख रहे हो? राजा विक्रमादित्य हमें गाय चराने का काम देने वाले हैं। तुम्हारी बकबक खत्म हुई हो तो चले। बिल्कुल महाराज। ओम सागर देव प्रसन्न हो, ओम सागर देव प्रसन्न हो, ओम सागर देव प्रसन्न हो। हे ब्राह्मण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। बोलो क्या चाहते हो? प्रणाम प्रभु। महाराज विक्रमादित्य चाहते हैं कि आप उनके महायज्ञ में उपस्थित हों। अगर मैं वहां गया तो मेरे साथ सारा जल भी जाएगा। अगर सारा जल गया तो सभी जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे। मैं एक इंसान के लिए सबका त्याग नहीं कर सकता, इसलिए मेरा वहां जाना उचित नहीं। अब मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य से कहना कि मुझे उनका निमंत्रण स्वीकार है। जल की बूंद बूंद में मेरा वास है। वे यज्ञ के लिए जिस जल का प्रयोग करेंगे उनमें मैं भी उपस्थित रहूंगा। वे जो यज्ञ करने जा रहे हैं उनकी मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, और अपनी ओर से राजा को ये 5 बहुमूल्य रथ और समुद्री घोड़ा देता हूं। इन्हें मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को दे देना। ऐसा ही होगा देव। ब्राह्मण महाराज को दोनों उपहार लाकर देता है और पूरी बात बताता है। हे ब्राह्मण, रास्ते की परेशानी को सहते हुए आप समुद्र के किनारे पहुँचे और कठोर तप करके बहुत कष्ट सह के आपने समुद्र देव को प्रसन्न किया। इसलिए इन दोनों चीजों पर असली अधिकार आप ही का है, अतः आप इसे स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी कहानी महाराज विक्रमादित्य के तप, त्याग और दान की। तो कहिए राजा भोज, क्या आपने कभी ऐसा दान दिया है? अगर हाँ तो आप सिंहासन पर बैठ सकते हैं। हाँ, ये वाकई महान दान था। ऐसा दान आज तक मैंने नहीं किया। आइए आइए, प्रणाम राजा भोज। राजन, मैं सिंहासन की 12वीं पुतली पद्मावती हूँ। तो आज आप आए हैं मुझे सिंहासन पर बैठने से रोकने के लिए? मैं चाहती हूँ आप महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठें। मैं भी तो यही चाहता हूँ, मगर इससे पहले आपको एक गाथा सुननी होगी, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ पाएंगे। कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी, उसके ऊपर एक और कहानी, और उसके बाद तुम्हारी मनमानी। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो रोज कहानी सुनाकर भगा देती हो मुझे? बैठना है तो कहानी तो सुननी ही पड़ेगी ना। ठीक है ठीक है, अगर तुम लोग जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ, सुनाओ कहानी। एक रात की बात है, महाराज विक्रमादित्य महल की छत पर खड़े थे। आ, बचाओ, बचाओ, बचाओ। हमें उसे बचाना चाहिए। आ, बचाओ, बचाओ मुझे।
आसान नहीं। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तू भी मारा जाएगा। जा, भाग जा यहाँ से। हो सकता है तू मारा जाए। अच्छा तो ये बात है, तो फिर आप मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जा। तेरी मौत हमारे हाथों ही लिखी है दोस्त। क्यों थक गए? हाँ, हाँ, हाँ। पानी पियोगे? हाँ, 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 पानी पियूंगा। ले पी पानी, पी। तुझे हम पानी पिला पिला के मारे। पी और ये ले। जीवित हो जाता है और अब वो पहले से भी खूंखार हो जाता है। उसके उठते ही जिस जगह राक्षस का खून गिरा था एक दूसरा राक्षस पैदा हो जाता है। है? ये क्या? इसने मुझे पानी पिला पिला कर मारा है। अब हम दोनों मिलकर इसे हवा में उछाल उछाल कर मारेंगे। बचा अपने टांगों को। भागो नहीं तो मेरे भी आपको काटा देगा। भाग गया। अब डरने की कोई बात नहीं, वो राक्षस भाग गया है और दूसरा मर चुका है। लेकिन तुम हो कौन और ये राक्षस कौन था? मैं सिंहल द्वीप राज्य के एक ब्राह्मण की पुत्री हूँ। एक दिन मैं अपने सहेलियों के साथ एक सरोवर में स्नान कर रही थी, तभी मुझे इस राक्षस ने देख लिया और मुझ पर मोहित हो गया। फिर वो मुझे इस जंगल में उठा लाया। वो मुझसे शादी करने के लिए कहने लगा, लेकिन मैंने भी सोच लिया कि अपने जीते जी इसे अपने शरीर को छूने नहीं दूंगी। डरो नहीं बहन, उस राक्षस की मौत हमारे हाथों में। परंतु तुमने दूसरे राक्षस के बारे में नहीं बताया। वो दूसरा राक्षस इसलिए पैदा हुआ क्योंकि पहले राक्षस के पेट में मोहिनी है। वो राक्षस जितनी भी बार मारा जाएगा वो मोहिनी अमृत द्वारा उसे फिर जिंदा कर देगी। जब जब वो मारा जाएगा एक राक्षस और पैदा होता रहेगा, लेकिन पैदा होने वाले राक्षस को मोहिनी जिंदा नहीं कर सकती। क्यों जिंदा नहीं कर सकती? क्योंकि वो पहले राक्षस के खून से जिंदा होता है। तुम ये सब कैसे जानती हो? ये सब मुझे उस राक्षस ने बताया था। तुम चिंता मत करो, हम उस राक्षस को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और जब तक हम इसे मार ना दें हम महल वापस नहीं जाएंगे। वो राक्षस अवश्य वापस आएगा। ठीक है, हम उसका यहीं बैठकर इंतजार करेंगे। दूर हटो बहन। तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो शेर बनकर हम पर धोखे से वार करने आया था? बस बहुत नाटक कर चुका दोस्त, ये ले। छोड़ दो मुझे। उस स्त्री को पकड़ो, वो अमृत ना पिला पाए। ये तो
तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। बचपन से यही तो करते आए हैं। छोड़ो छोड़ो मुझे। छोड़ेंगे ना हम तेरी गर्दन ओ मोहिनी, मरते दम तक। कौन हो तुम? क्यों उसके पेट में रहती थी? मैं शिव भगवान की कड़िका हूँ। एक दिन उनकी आज्ञा का पालन करने में मुझसे थोड़ी गलती हो गई। उन्होंने मुझे क्रोधवश मोहिनी बना दिया और इस राक्षस को दे दिया। इस राक्षस को मारकर आपने मुझे मुक्त कर दिया है। अब मैं आपकी सेविका हूँ। मुझे आप स्वीकार करें महाराज, स्वीकार करें महाराज। ठीक है, तुम्हारा स्थान हमारे महल में एक पत्नी के रूप में रहेगा। क्या तुमने जीवन में किसी राक्षस को मारा है? क्या किसी ब्राह्मण कन्या का उद्धार किया है? यदि नहीं तो आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। लौट जाइए राजा भोज, लौट जाइए। आदमी होता तो चलता, मगर राक्षस वो भी दो दो। चल बेटा भोज, आज नहीं तो कल सही। कभी तो मैंने महाराज विक्रमादित्य के जैसा काम किया होगा। सिंहासन पर मैं अवश्य ही बैठूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको महाराज विक्रमादित्य की एक गाथा सुनाती हूँ। यदि आपने उनके जैसा एक भी कार्य किया है तो ही आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। कहानी सुन लूंगा देवी, मगर जाऊंगा नहीं। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार के विद्वानों, ब्राह्मणों और व्यापारियों के सामने एक प्रश्न रखा। हे महान समस्त जनों, हम ये जानना चाहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है? महाराज, इस धरती पर आपसे बड़ा कोई दानी नहीं है जो अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर दे। उससे बड़ा राजा और कौन हो सकता है? महाराज विक्रमादित्य की जय। महाराज विक्रमादित्य की जय। महाराज विक्रमादित्य की जय। ब्राह्मण देव, आप चुप क्यों हैं? आपने कुछ नहीं कहा, आपकी इस चुप्पी का क्या कारण है? महाराज, आपसे बढ़कर भी इस दुनिया में एक दानी जिसका नाम है कीर्ति ध्वज। ये कीर्ति ध्वज कौन है? महाराज, कीर्ति ध्वज एक समुद्र पार के राजा हैं। वहाँ मैंने कई दिन रहकर उनकी दानवीरता देखी है। वे प्रतिदिन सुबह उठकर 1,00,000 सोने की मुद्राएं प्रजा को दान करते हैं। 1,00,000 सोने की मुद्राएं? 1,00,000 सोने की मुद्राएं? हाँ, वे प्रतिदिन जब तक ऐसा नहीं कर लेते, भोजन और पानी नहीं लेते। क्या आप सत्य कह रहे हैं ब्राह्मण देव? एकदम सत्य वचन है मेरा। यदि ऐसा ना हो तो मुझे राज दंड दिया जाए। हे ब्राह्मण देव, हम आपसे अति प्रसन्न हैं, क्योंकि आपने बिना किसी भय के जो सत्य बोलने का साहस किया है वो वाकई में प्रशंसा के काबिल है। ऐसे धनी राजा को अवश्य ही देखना चाहिए और सत्य का पता लगाना चाहिए। हे वेतालों, हमें तुम्हारी आवश्यकता है, तुरंत प्रकट हो। तुम कौन हो और हमारे महाराज कहाँ हैं?
हंसता क्या है, तुझे तो हंसना भी नहीं आता। जल्दी बता महाराज कहाँ है? है वैतालों, हम ही विक्रमादित्य हैं। आए, माफ करना महाराज, हम आपको पहचान न सके। लेकिन आपके चिकने चिकने चेहरे पर ये गंदी गंदी झाड़ियाँ क्यों लटक रही है? हमारा ये रूप नकली है वैतालों। अच्छा तो बताइए महाराज, हमें क्यों याद किया? है वैतालों, हमें समुद्र पार कीर्ति ध्वज के महल जाना है। अरे महाराज, बस आंखें बंद कीजिए। ये लीजिए महाराज, आगे कीर्ति ध्वज महल के पास। धन्यवाद, ये तो हमारा फर्ज था। अब तुम दोनों दूर हो जाओ। जी, जी जाओ। राजे तो बहुत अमीर दिख रहा है, लगता है यहाँ कोई गरीब नहीं। प्रणाम महाराज। हे मानव, तुम कौन हो और यहाँ कैसे? महाराज, मैं उज्जैन का नागरिक हूँ और एक गरीब इंसान हूँ। मेरा नाम धर्म सिंह है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज, मैं आपके राज्य में नौकरी करना चाहता हूँ। क्या काम कर सकते हो तुम? महाराज, मैं ऐसा काम कर सकता हूँ जिसे कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आज से तुम द्वारपाल के रूप में कार्य करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। पहले दिन सुबह सुबह महाराज विक्रमादित्य ने देखा कि राजा कीर्ति ध्वज 100,000 सोने की मुद्राएं बांट रहे हैं। ये तब तक चलता रहा जब तक मुद्राएं खत्म नहीं हुई। उसके बाद ही महाराज कीर्ति ध्वज ने भोजन ग्रहण किया। महाराज प्रतिदिन कहाँ जाते हैं, हमें पता लगाना चाहिए। देवी सदा सुखी रहो। ये मिली। अब मुझे आज्ञा दे देवी। तो ये बात है। प्रणाम देवी। सदा सुखी रहो वत्स। ये लो। नहीं देवी, हमें ये नहीं चाहिए। हम तो आपकी कृपा और दर्शन पाना चाहते थे, इसलिए हमने प्राणों की बलि दी थी। हमें आपकी कृपा चाहिए। कृपा ही तो कर रही हूँ वत्स। नहीं देवी, हम पर आपकी कृपा नहीं हुई। ये हमें धन नहीं देवी, आपकी कृपा चाहिए। सात बार यही होता रहा और जब आठवीं बार वे कूदने लगे तो देवी ने उन्हें रोका। बस करो विक्रमादित्य, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो
क्या चाहते हो? देवी, यदि आपकी हम पर कृपा है और आप हमें कुछ देना ही चाहती हैं, तो एक थैली दे दें, जिससे आप हर बार 1,00,000 सोने की मुद्राएं निकालती हैं। ये लो विक्रमादित्य, आज से तुम इस थैली के स्वामी हो। अगले दिन जब महाराज कीर्तिध्वज मंदिर के पास आए तो वे चौंक गए। अरे अरे, मंदिर कहाँ गया? देवी देवी कहाँ हैं आप? लगता है देवी मुझसे नाराज हो गई हैं। महाराज कीर्तिध्वज वापस आते हैं और पूरे दिन भोजन पानी ग्रहण नहीं करते। महाराज कीर्तिध्वज का वर्षों पुराना नियम टूट चुका था। महाराज की जय हो। आओ धर्म सिंह, कैसे आना हुआ? है? राजन, मुझे आपका रोज रोज कढ़ाई में कूदना अच्छा नहीं लगा। और राजन, मैंने कहा था ना कि मैं वो कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता। हे मानव, कौन हो तुम जो मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी? महाराज, हम उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं और आपकी दान वीरता सुनने के बाद आपसे मिलने आए थे। आपके इस दान के सामने तो मेरा दान तुच्छ है। संसार में आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है। है महाराज कीर्तिध्वज, ये आपकी महानता है जो आप ऐसा सोचते हैं। अब बताइए राजा भोज, क्या आपने महाराज विक्रमादित्य जैसा कोई दान दिया है? अगर हाँ तो इस सिंहासन पर बैठ जाइए, वरना उल्टे पांव लौट जाइए। वाकई में विक्रमादित्य एक महान दानी थे। मैंने ऐसा कोई दान कभी नहीं दिया, लेकिन मैं इस सिंहासन को नहीं छोड़ूंगा। मैं कल फिर वापस आऊंगा, याद रखना। मैं कल फिर आऊंगा।